सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मसालेदार टेक न्यूज के इस धमाकेदार एपिसोड्स में। मेरा नाम है विकास और आप सबका हमेशा की तरह मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, Xiaomi ने आज एक Mi CC9 Pro का एक टीज़र जारी किया है। इस फ़ोन में पेंटालेंस सेंसर का यूज़ किया गया, यानी कि आपको बैक साइड में 5 कैमरे दिए जाएंगे। इस फ़ोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका प्राइमरी सेंसर वो 108 मेगापिक्सल का है और साथ के साथ इसमें 5x का जूम भी दिया गया है। तो यह फ़ोन की सबसे बड़ी खास बात है। Xiaomi Mi 9 CC Pro को 5 नवंबर को चाइना में लॉन्च करेगी और साथ के साथ इस फ़ोन के साथ अपने बहुत सारे प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। खबर ये भी कि इस बार इस फ़ोन में 30 वाट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना में 5 नवंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें Xiaomi अपने मी वॉच, मी टीवी के 5 सीरीज को और मी बैंड 5 भी लॉन्च कर सकती है। टीज़र में जो इमेज दी गई, इसमें आप बैक रियर में देख सकते हैं कि आपको इसमें 5 कैमरे दिए गए हैं जिसका प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल और साथ के साथ इसमें 5x जूम भी दिख रहा है और इसमें डुअल LED फ्लैश भी दिया गया। साथ बताया ये भी जा रहा है कि इस बार Mi CC9 Pro स्नैपड्रैगन के 730G में भी आ सकता है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या नया Xiaomi हमें लेके आ रहा है, ये तो 5 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जिस दिन ये इवेंट होगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको इसके सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दे दूंगा। एक्चुअल में क्या साथ लाता है इस Mi CC9 Pro के साथ। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर, जहां बात करते हैं Redmi Note 8T के बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में Redmi ने अपने Note 8 सीरीज़ को लॉन्च किया जिसमें Redmi Note 8 है, Redmi Note 8 Pro है। लेकिन आज एक टीज़र निकल के सामने आया है Redmi Note 8 और कहा यह भी जा रहा है कि यह फ़ोन जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि Xiaomi की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई कि यह फ़ोन इंडिया में हमें कब देखने को मिलता है, लेकिन खबर यह है कि जल्दी Redmi Note 8T हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। हालांकि देखने में Redmi Note 8T बिल्कुल Redmi Note 8 की तरह दिखता है। फ्रंट में ड्यू ड्रॉप वाल डिस्प्ले और रियर में क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी मिलेगी जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार Xiaomi इस फ़ोन के साथ भी बॉक्स में हमें 18 वाट फास्ट चार्जर भी दे सकती है। हालांकि इसके लॉन्च डेट की अभी कन्फर्मेशन हमें नहीं मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जल्दी यह इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। देखते हैं अब Xiaomi की तरफ से क्या नई अपडेट आती है सामने। जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। दोस्तों, बस फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करके मुझे अपना सुझाव ज़रूर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अपने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।